रामायण का पाठ आयोजन किया गया था जो कि हर साल होता है और हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। हम लोगों ने काफी गीत गाए, काफी लोग आ रखे थे, काफी औरतें आई थी, ढोलक बजाए, बहुत अच्छे से हुआ और हम कोशिश करेंगे कि हर साल हम ऐसे ही अपना सहयोग दें। काफी मजा आया, माता के शरण में माता रानी के गाने गाए, राम जी के गाने गाए और काफी अच्छा लगा। कोशिश करते हैं कि अगले साल फिर से हम लोग आए इस आयोजन में और अपना सहयोग दें। थैंक यू। दुर्गा में रामचरित मानस का पाठ किया गया था और कीर्तन उसमें हम लोग गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। अज्ञानातिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्तै पौत्रकल्पसं पाराशरात्मजं वन्दे सुखतहतं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिवाहु परो हरि अभाललोचन शंभुरो भगवान् श्रीवादरायण। जगद्गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्रां गुरूणां श्रीगुरुवे नमः। गुणातीत गुणाधारा गुणबीजा गुणात्मका गुणीश गुणिनां बीजा गुणीनां श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरु चरण कमल भ्यो नमो नमः। आज दिनांक 7 मार्च 2021 के पावन दिन पर भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में इस पवित्र दिन को आज भगवान श्री राम का यज्ञ के समापन पे यह 3 दिवसीय गढ़वाल भ्रातृसभा के तत्वावधान में इस दुर्गा माता रामायण महापाठ का यज्ञ होता आ रहा है और गढ़वाल भ्रातृसभा के सानिध्य में बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से बड़े भक्ति से इस यज्ञ का हर वर्ष संपादित होता है। इसमें विशेषकर हमारी गढ़वाल भ्रातृसभा के सभी सदस्यों का सभी गणमान्य व्यक्तियों का बड़ी उदार दिल से बड़े भव्य कार्यक्रम होकर के इसका समापन करते हैं। सभी माताएं बहनें भाई बंधु सखा इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और MR स्टूडियो वालों का MR वालों का भी YouTube चैनल वालों का विशेषकर इस सभा में बड़ा योगदान रहा है। प्रचार प्रसार में भगवान इनके YouTube चैनल को उत्तरोत्तर वृद्धि दे और जैसा कि मैंने पहले कहा 3 दिन का आयोजन होता है इसमें सभी जनों की सहभागिता होती है और सभी अपने मन वचन क्रम से श्रद्धा भाव भक्ति से तन से मन से धन से इस आयोजन को संपादित करते हैं और उसमें अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं। विशेष करके हमारी गढ़वाल भ्रातृसभा का उनके सदस्यों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, उनको आशीष देता हूं। परमपिता परमात्मा ने को उनके परिवारजनों को सुख शांति और समृद्धि दे, हमारी इस गढ़वाल सभा को उत्तरोत्तर वृद्धि दे और विशेष करके आज के दिन एक विशेष आयोजन और किया गया हमारी इस पावन भूमि पर, इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर कई वर्षों की त्याग और तपस्या के कारण, कई वर्षों के हमारे ऋषि मुनियों के कारण, उनके बलिदान के कारण और हमारी यशस्वी जनों के कारण, जो संत मुनि थे उनके कारण आज 1000 वर्ष बाद हमें जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर की शिलान्यास का वो पावन और पुण्य समय आ गया है
जिसमें हर व्यक्ति का निधि समर्पण के लिए अंशदान यथाशक्ति यथासंभव जो भी दे सकता है उसमें भी लोगों ने बड़े हर्ष के साथ बड़े पवित्र मन से, क्योंकि ये कई वर्षों बाद ये पुण्य पावन इस धरा पर, इस पवित्र पुण्य भूमि पर ये पुण्य कार्य हो रहा है, इसमें सबकी सहभागिता सबकी सहयोगिता ली जा रही है। इसमें भी जो है सबने अपने विचारों से तन से मन से आत्मा से धन से जो है धन का समर्पण किया, निधि समर्पण किया। और इसमें विशेष करके भरत सिंह लिंगवाल जी भी आई थी हमारी गृहल बृहद सभा के प्रधान, और उन्होंने जो है इसमें विशेष कर योगदान देकर के, हमारे विशेष वरिष्ठ आरएसएस के कार्यकर्ता थे उन्होंने इसको दिया है, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी मंगल कामना है। ओम शांति 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 शुभ शांति। मेरा नाम अनिला रावत है और हमारा परिवार गढ़वाल विधानसभा की जो रजिस्टर्ड है उससे जब से बनी है संस्था तब से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हर साल गढ़वाली मंदिर में दुर्गा मंदिर जिसको बोलते हैं हर साल भंडारा होता है, रामायण पाठ होता है, उसके बाद भंडारा किया जाता है यज्ञ। और ये भी भगवान ने चाहा अगले साल दोबारा भंडारा की शुरुआत होगी, और मैं इसी दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगा। मैं भरत सिंह गढ़वाल सभा गढ़वाल भारतीय सभा का अध्यक्ष। हम लोगों ने पूरण नगर मंदिर में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रामायण पाठ का आयोजन किया, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम इसको पूरा भरपूर तरह से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का इसका पालन करते हुए और सभी लोगों के साथ में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हमने अपना रामायण पाठ संपूर्ण किया, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छी तरह से पालन करते हुए आज 7 तारीख को इसका समापन कर दिया गया। इसके लिए हम इस न्यूज टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं। धन्यवाद।